राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी इन दिनों चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। भाटी इस बार अपनी संपत्ति को लेकर सुर्खियों में आ गए। उन्होंने नामांकन भरने के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष दिए हलफनामे में अपनी संपत्ति को लेकर ब्यौरा पेश किया, जिसमें उन्होंने खुद के पास न तो कोई जमीन है और न ही कोई मकान। यही नहीं, उनकी पत्नी धनिष्ठा कंवर के पास भी कोई जमीन या फिर मकान नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी के पास 2 लाख रुपए नगद और 3 लाख रुपए बैंक खाते में जमा है। जेवरात के नाम पर उनके पास 5 ग्राम सोना बताया गया है, जिसकी कीमत करीब 33,000 बताई गई है, और उनके पास कोई चल अचल संपत्ति भी नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपे गए हलफनामे के अनुसार रविंद्र सिंह भाटी से ज्यादा संपत्ति उनकी पत्नी धनिष्ठा कंवर के पास है। धनिष्ठा कंवर के पास 27.16 लाख रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें से 20.83 लाख रुपए के 300 ग्राम सोने के जेवरात और 1 लाख रुपए नगद हैं। 271.33 रुपए उनके बैंक खाते में जमा है। रविंद्र सिंह भाटी की तरह उनकी पत्नी के पास भी कोई जमीन या मकान या किसी तरह की प्रॉपर्टी नहीं है। इसके अलावा रविंद्र सिंह भाटी के पास कोई वाहन और हथियार भी नहीं है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले रविंद्र सिंह भाटी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे और जीतकर विधायक भी बने। इसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया, जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें मनाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा सीट की जनता से पूछकर फैसला लेने का कहा। इस पर पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया और शनिवार को अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया।